तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई जवान की जो तबाही चल रही है गजब है दोस्तों। ये मूवी दिन पर दिन ऐसा जबरदस्त बिजनेस करके जा रही है, वर्किंग डेज में भी इतनी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो भी 13 दिन पुरानी मूवी होने के बावजूद, और ऐसी धमाकेदार कलेक्शन भाई अनबिलीवेबल। जी हाँ दोस्तों, जवान ने अपने शानदार 13 दिन कंप्लीट करके आज 14वें दिन में एंट्री मार ली है दोस्तों। सिर्फ अपने 12 दिन के कलेक्शन से ही KGF 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन को खदेड़ दिया, तोड़ दिया, रौन दिया। और आगे अभी बाहुबली 2 की सामत आनी बाकी है, गदर 2 है, फिर उसके बाद SRK की अपनी खुद मूवी पठान को भी खदेड़ते नजर आएंगे ये अभी अपने 20 दिन के अंदर ही। दोस्तों जवान बॉलीवुड का इतिहास बदलने आए हैं, जिसे हम सब देखते आ रहे हैं, और आगे जो हम सोच नहीं सकते वो आंकड़े हमें मिलने वाले हैं। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल डे 13 कैसा रहा मूवी का, आज डे 14 की ग्रोथ कैसी चल रही है मूवी की, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, पहले 3 दिन कितनी कमाई करी, फर्स्ट वीक में कितना कलेक्शन किया, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है ये मूवी, और अभी तक कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, पहले 10 दिन में कितनी कमाई ये मूवी अभी तक कर चुकी है, सब जानेंगे एक एक करके। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। अगर मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं जवान से रिलेटेड तब, और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू कर दे दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ मूवी जवान को कंप्लीट करा गया है, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स के साथ द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, जिसमें विजय थालापति और संजय दत्त, दीपिका पादुकोण जैसे दिग्गज स्टार आपको झलकी मिलेगी इनकी देखने को। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग ऑल्सो। 4 चांद तो नयनतारा ने लगाया है सेकेंड लीड में शाहरुख खान का जबरदस्त साथ देकर। सपोर्टिंग में आपको सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, प्रिया मणि जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। एंड विलेन इज सुपर अमेजिंग, विजय सेतुपति इज सुपर फैंटास्टिक। अकेला ये बंदा भारी पड़ा है पूरे SR के मल्टीपल रोल्स पर। कंटेंट इज अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है, डायरेक्शन इज सुपर सुपर अमेजिंग। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अटली कुमार ना होता तो ये मूवी शायद ऐसी ना बन पाती। साउथ के डायरेक्टर हैं, साउथ का तड़का देखने को मिलेगा, जबरदस्त भी लगा। तो बात करते हैं अब सीधे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो पहले दिन से शुरुआत करेंगे, जिसमें फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन हिंदी से किया था 65.5 करोड़, और नेट इंडियन कलेक्शन फर्स्ट डे किया था 74.5 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी लेके आई थी अपने पहले दिन में 130 करोड़। दूसरे दिन धमाकेदार कमाई करी। इसी के साथ पहले 3 दिन का टोटल नेट इंडियन कलेक्शन बताऊं तो 200 करोड़ के कलम में यह मूवी एंट्री मार चुकी थी सिर्फ 3 ही दिन में। इसी के साथ पहले 3 दिन का कलेक्शन पूरी दुनिया से ये मूवी 385 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। इसी के साथ 4थे दिन में सिर्फ हिंदी से 71 करोड़ की ह्यूज कलेक्शन करी। सिंगल डे में इतनी बड़ी कलेक्शन आज तक कोई भी मूवी नहीं कर पाई है सिर्फ जवान को छोड़कर, और पूरी दुनिया से पहले 4 दिन में ही 520 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था, ह्यूज कलेक्शन आ गया। इसी के साथ 5वें और 6ठे दिन में भी अच्छा कलेक्शन किया, और पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते हुए पहले 7 दिन में ही सिर्फ हिंदी से कमाई हुई थी 327 करोड़, और टोटल नेट कलेक्शन फर्स्ट वीक से हुआ था 369 करोड़। इसी के साथ पूरी दुनिया से यह मूवी फर्स्ट वीक में ही 660 करोड़ के जादुई आंकड़े को अपने नाम कर चुकी थी दोस्तों। ह्यूज कलेक्शन 7 दिन के अंदर ही 660 करोड़ पूरी दुनिया से, अमेजिंग ग्रोथ। बॉलीवुड की कोई भी मूवी, हिंदी मूवी ऐसे नंबर लाते कभी नहीं दिखी। और पहला हफ्ते में भी भोला, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सत्य प्रेम की कथा, ब्रह्मास्त्र, किसी का भाई किसी की जान, ये सारी मूवी को खदेड़ते हुए आगे बढ़ती गई। इसी के साथ सेकेंड वीक की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करी, और 8वें और 9वें दिन में एवरेज कमाई करते हुए पहले 9 दिन में ही हिंदी से 366 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, और पहले 9 दिन में ही ऑल इंडिया नेट से 410 करोड़ की रॉयल एंट्री मार ली थी। जी हाँ दोस्तों, 9 ही दिन में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन से 400 करोड़ के कलम में शामिल हो चुकी थी ये मूवी, और पहले 9 दिन में ही पूरी दुनिया से 735 करोड़ के कलेक्शन को टच कर लिया था, जहां पर पठान, गदर 2 के ये फास्टेस्ट कलेक्शन के मामले में तो दोनों मूवियों को खदेड़ चुकी थी ये मूवी। ह्यूज कलेक्शन अगेन एवर। इसी के साथ 10वें दिन की बात करें तो सिर्फ हिंदी से 30 करोड़ का कलेक्शन और नेट इंडिया कलेक्शन से 32 करोड़ की कमाई करी थी। ग्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ का रहा था। इसी के साथ ओवरसीज से सिर्फ 10वें दिन में 37 करोड़ का
ह्यूज कलेक्शन किया, जिसने पठान के फर्स्ट डे के ओवरसीज के कलेक्शन के रिकॉर्ड को खदेड़ा था अपने 10वें दिन में। बात करें डे अलोन में कैसी ग्रोथ रही, हिंदी से 34.26 करोड़, सिर्फ हिंदी से पहले 11 दिन में ही 430 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। इसी के साथ तमिल तेलुगु को मिलाकर टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 37.26 करोड़ का आया था। इसी के साथ टोटल नेट कलेक्शन तीनों लैंग्वेज का मिलाकर होता है पहले 11 दिन का 480 करोड़, और पूरी दुनिया से पहले 11 दिन में मूवी ने कितना कमाया था, 859 करोड़ की कमाई करके ले गई थी, इसका ह्यूज कलेक्शन किया था। अगेन भाई रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ, और यहां तक मूवी बजरंगी भाईजान और सुल्तान के भी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ चुकी थी। बात करें 12वें दिन कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही। 12वें दिन में हिंदी से 14 करोड़ और तमिल तेलुगु से आया, दोनों लैंग्वेज को मिलाकर साथ में हिंदी को भी मिलाकर टोटल नेट कलेक्शन आया 16 करोड़, क्रॉस कलेक्शन आया 20 करोड़, और 12वें दिन में मूवी ने कमाई करी पूरी दुनिया से 26 करोड़ की। इसके साथ पहले 12 ही दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी ने 444 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी थी, जिसने KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया था। भाई शानदार ग्लोरी, अमेजिंग ग्लोरी। इसी के साथ बात करें कल यानी सेकेंड ट्यूजडे की यानी 13वें दिन की कैसी ग्रोथ रही, आग फाड़ ग्रोथ रही। हालांकि उम्मीद नहीं थी क्योंकि वर्किंग डे था, तो कल ट्यूजडे वर्किंग डे होने के बाद भी सिर्फ हिंदी से मूवी 12 करोड़ की कमाई सिर्फ हिंदी से करके लाई है, और ऑल इंडिया नेट कलेक्शन से मूवी 14 करोड़ का कलेक्शन करके लाई है शानदार तरीके से, और ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 18 करोड़ कमाते दिखी है, और कल पूरी दुनिया से 22 करोड़ की कमाई ये मूवी अपने खाते में लेके आई है। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 13 दिन में 456 करोड़ का कलेक्शन मूवी अपने नाम कर चुकी थी। दोस्तों ह्यूज कलेक्शन, सिर्फ हिंदी से 13 दिन में ही 450 करोड़ के जादुई आंकड़े को जवान ने अपने नाम किया, जो गदर 2 ने 17वें दिन पे अपने नाम किया था और पठान ने 18वें दिन में अपने नाम किया था, और बाहुबली 2 ने हिंदी में इस 450 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करने के लिए पूरे 20 दिन लगाए थे, लेकिन जवान ने मात्र 13 दिन में इस आंकड़े को अपने नाम कर लिया है। तो अमेजिंग ग्रोथ है, सॉलिड ग्रोथ है, आग फाड़ ग्रोथ है। इसी के साथ पहले 13 दिन में ही नेट इंडिया कलेक्शन 507 करोड़ के आंकड़े को कवर अप कर लिया था, और पहले 13 दिन में ही ग्रॉस इंडिया कलेक्शन रहा था 611 करोड़ का। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये भी कल अपने एंड ऑफ द डे तक 13वें दिन में कंप्लीट करते करते 905 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। बात करें आज यानी डे 14 की 14वें दिन कैसी ग्रोथ है, तो यस आज भी वेडनेसडे वर्किंग डे है, आज फुल डे ओवरऑल 18-20% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में कुछ कुछ जगह हाउसफुल बैनर के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, ट्रेंड कर रही है। तो आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 12 करोड़ तक देखने को मिल रहा है, जिसमें सिर्फ हिंदी से 10 करोड़ आता दिख रहा है। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 14 दिन में मूवी कितनी कमाई कर लेगी, आज एंड ऑफ द डे तक 466 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने नाम कर लेगी। इसी के साथ पहले 14 ही दिनों में ही आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से मूवी 519 करोड़ के जादुई आंकड़े को अपने नाम कर लेगी, और आज पूरी दुनिया से पहले 14 ही दिन में 927 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी यह मूवी। इसी के साथ मूवी गदर 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को आने वाले 5 दिन में ही बीट डाउन कर देगी, और बाहुबली 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन को भी खदेड़ देगी कुछ ही दिनों में, अराउंड 3-4 दिन के अंदर ही। साथ में पहले 20 दिन के अंदर ही अंदर पठान के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी खदेड़ते नजर आएगी। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों को क्या लगता है यह मूवी 1000 करोड़ कब कंप्लीट कर जाएगी? मुझे लगता है आने वाले 5 ही दिन में या सैटरडे एंड तक यह मूवी 1000 करोड़ को टच करेगी, और संडे में यह मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है कि मूवी संडे तक 1000 करोड़ क्रॉस करेगी या नहीं करेगी या टच करेगी, या कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मूवी 1100 करोड़ के आंकड़े में पहुंच जाएगी। तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना, उसी के साथ यह भी बता के जाना कि लाइफ टाइम कलेक्शन में यह मूवी कितनी कमाई कर सकती है, क्या 1400 करोड़, क्या 1500 करोड़, या 1600 करोड़। जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।